करनाल में तीज के त्यौहार का दिन सड़क हादसों का रहा, जिसमें करनाल के पास गांव कोम्बोपुरा के पास तीन महिलाएं NH1 क्रॉस कर रही थीं कि एक तेज रफ्तार कार ने तीनों को कुचल दिया। मौके पर ही दो महिलाओं की मौत हो गई व तीसरी बुजुर्ग महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे बाद में PGI रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरा हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर बलड़ी बाईपास पुल पर हुआ, जहां एक हरियाणा रोडवेज की बस ने एक 70 साल के बुजुर्ग को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुट गई है, जांच शुरू कर दी है। क्या सूचना मिली अभी तक? सूचना मिली थी जो सड़क पे एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया है, जो हम मौके पहुंचे तो वहां पर दो लेडीज लैंड पाई और कार साइड में खड़ी पाई और कार को छोड़ के भाग गया। मौके भी दो लेडीज की मौत हो गई? हाँ, मौके भी। और एक घायल है? एक घायल है, अस्पताल में पहुंचाई। ये कहाँ की पता लगा? कोई अभी से एक का पता लगा जो कमो पड़ेगी। अच्छा, दो का अभी से पता लगा। तो कैसे, कोई सड़क क्रॉसिंग कर रही थी? सड़क क्रॉस के लिए सत्संग भवन में जाना रही थी। अच्छा, सत्संग भवन जाने के लिए सड़क क्रॉस हुई थी कमो पर से सत्संग भवन। तो कार को ले लिया कब्जे में? कार को कब्जे में। तो क्या कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ? अभी एक्सीडेंट का पर्चा दर्ज है। करनाल से अजा TV न्यूज़ के लिए विजय कंबोज की रिपोर्ट।